तो भाई आप क्या सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 7:30 और आज हम लोग दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग के माध्यम से कि हमारा डेली लाइफ रूटीन क्या है। तो फिलहाल मैं हूँ अभी किचन में और अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। पहले हमारा ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं कॉलेज से। हमारा रूम और ये हमारे मिस्टर सतन जो काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट किस प्रकार से रेडी कर रहे हैं। जो कि ब्रेकफास्ट में हमारा मूंग है और क्या है, खीरा है, केला है और इधर नींबू है और क्या बोलते हैं सेब भी है, सेब है। तो आप बताएंगे कुछ कहना चाहेंगे क्या? पहले खाएंगे फिर बात करेंगे। तो पहले खाएंगे उसके बाद फिर बात करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग खाना बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे कॉलेज। और कॉलेज में आज सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी एक इंटरनल वाला, जी हाँ सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड आज एग्ज़ाम है क्योंकि कल फर्स्ट हो चुका था और आज सेकेंड एग्ज़ाम है और आज देखते हैं क्या क्या होता है। और असाइनमेंट भी हम लोग रेडी कर चुके हैं क्योंकि आज असाइनमेंट भी जमा करना है, उसके साथ साथ वाइवा भी है, जी हाँ। तो चलिए पहले तैयारी एकदम अच्छे से करते हैं, पहले खाते हैं उसके बाद फिर तैयारी करेंगे, उसके बाद जाएंगे एग्जाम देने। तो फिर उसके बाद कॉलेज में आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं कॉलेज में क्या होता है। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अपने कॉलेज की ओर, जो कि यहाँ पे रेडी हो चुके हैं अपने गाड़ी के साथ। एक मिनट ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली गेट मिल चुका है बंद, रेलवे क्रॉसिंग, दुर्गा पूजा की तैयारी कर रहा है। देखिए दुर्गा पूजा की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे RBDS कॉलेज का गेट और हम लोग एंटर करते हैं RBDS में। पहले व्यवस्था करते हैं पार्किंग की क्योंकि काफी धूप है तो ठंडे में अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। इस कॉलेज जो कि नया नया अभी बन रहा है और इसमें इतना सारा भीड़। तो फिलहाल आ चुके हैं RDS कॉलेज में और ये हमारा RDS कॉलेज ग्राउंड है, सॉरी कैंपस है। और ये रहा हमारा RDS कॉलेज ग्राउंड। कॉलेज में आज काफ़ी भीड़ लग रही है क्योंकि आज हो रहा है एग्ज़ाम। पीजी वाले की ज़्यादा भीड़ नहीं क्योंकि पीजी वाले का स्टूडेंट है नहीं ज़्यादा RDS कॉलेज में, यूजी वाला पढ़ा यूजी का सब स्टूडेंट सब है जो कि अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो फॉर्म अप्लाई और ये रहा सामने हमारा डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस का, सॉरी आर्ट डिपार्टमेंट है जिसमें हमारा पॉलिटिकल साइंस भी है। तो हम लोग चलते हैं फिलहाल डिपार्टमेंट, गाड़ी पार्क कर देते हैं। और ये हमारे राहुल भैया जो काफी दिनों बाद मिले हैं, हाय। और ये सामने जो आपको दिख रहा है हॉल जिसमें हमारा होने वाला एग्जाम, इसको कहते हैं पुराना वाला 13 नंबर रूम जिसे कैमरा वगैरह सारा लगा हुआ है, लेकिन चलता है कि नहीं चलता मुझे नहीं पता।
क्लास किए हैं, एग्जाम कहाँ दिए हैं? हम एग्जाम चले गए तो ये हमारे सेकेंड डॉली चाय वाले, जो कि चाय नहीं दूध बेचते हैं। चुके हैं और एग्जाम हॉल के बाहर हम लोग आ चुके हैं और फिलहाल हम लोग अभी जा रहे हैं एग्जाम के बाहर। और आज का एग्जाम जो गया काफी अच्छा गया, तो चलते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं। आए क्यों? तो ये हमारे कुछ मित्रगण जो कि अभी एग्जाम हॉल से बाहर निकले और इन लोगों का काफी अच्छा एग्जाम गया। तो चलिए जानते हैं हमारे कुछ मित्रगण से कैसा एग्जाम। बताइए कैसा एग्जाम आपका? मेरा इंटरनल तब बिजोड़ गया भैया, मैं तब फट गया यार। क्या आप लोग एग्जाम कैसा गया? आप लोग मेरा भी अच्छा गया है इंटरनल। मेरा भी अच्छा गया। सब कुछ नीति के बारे में बताना था, आतंकवाद विरोध के बारे में, जो दूसरा एक दूसरा देश से संगठन के बारे में बताना था, यही सब था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे लोगों का एग्जाम काफी अच्छा गया और कल भी एग्जाम है, तो कल हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर बाकी बाद आप लोगों को मिलते हैं। कल का एग्जाम था। हाय गाइस, हम भी हैं। आप बोलेगा ना सेकंड सेमेस्टर का? आई एम बोलो ना, आई एम एमए स्टूडेंट, मैं क्रिटिकल साइंस से हूँ। और जो इंटरनल एग्जाम चल रहा है, सेशन में इंटरनल एग्जाम हो चुका है। भाईवा भी था जो कि देने में बहुत अच्छा मजा आया, थोड़ा डर लगा, थोड़ा बहुत मजा दिए हैं। और आप लोग बता सकते हैं? मेरा तो बहुत कठिन था भाई। भाई यहाँ देखो, बोलो। मेरा बहुत कठिन था, कैसे कैसे तो एग्जाम जो बोले परवेज भाई ही बोलेंगे सब जो बात है। आइए आप मेरा आरडीएस कॉलेज देखिए। क्या देखिए? नज़ारा देख लीजिए आरडीएस। क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे कि आप मोबाइल बंद कर दीजिए। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? काफी टाइम से जंदाहा से आया, कैसा लग रहा है एग्जाम देने में? एग्जाम देकर के तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा गर्मी ज्यादा है बस। चलिए कोई नहीं, हम आपके जंदाहा से मुजफ्फरपुर तक एसी लगवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ बताइए आए हैं? हम तो मुजफ्फरपुर रहते हैं, मुजफ्फरपुर से आए भाई। चलिए आपसे गलत आदमी से क्वेश्चन हम कर लिए। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? हाजीपुर से है। क्या बात है, हाजीपुर से आए हैं, कैसा लग रहा है? सर से मिल लीजिए, गया के सांसद है। गया के सांसद, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ पे हमारे परवेज भाई है जो कि काफी आया है, क्योंकि बहुत कठिन मेरा आने में लगा, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन अच्छा गया और लेक्चर भी दिए थे, पास कर गया। और इंटरनल एग्जाम है मेरा एमए का, अब जाना है बैग घर।